ये प्रथम खड़ा क्यों है? गाड़ी कहाँ है यार तेरी? गाड़ी? हाँ यार, मैं एक्चुअली भूल गया था, आज तो मुझे चाचू ने ड्रॉप किया। मेरी गाड़ी तो गैरेज में है। एनीवेज छोड़ो ना ये बातें, तुम लोग जाके एंजॉय करो। लेकिन तू जाएगा कैसे? यार बाहर मोड़ से ऑटो या टैक्सी ले लूंगा, जाओ तुम लोग। चल हम तुझे मोड़ तक छोड़ के आते हैं। अरे यार मैं चला जाऊंगा ना यार, वैसे भी लड़कियां तुम लोग का इंतजार कर रही होंगी। जाओ ठीक है। श्योर श्योर श्योर, चलो बाय। चलो बाय। ऑटो है ना टैक्सी? टैक्सी सुनो भाई, जल्दी चलो, रोड नंबर 17 तक जाना। नहीं मुझे बासी जाना है। जहाँ जाना है चले जाना, पहले मुझे घर छोड़ दो। नहीं मुझे बुलाना आपको ले जाना है। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना है, टैक्सी क्यों चला? तो फिर जबरदस्ती है क्या? अरे हमारा साथ साथ घर लौटना जरूरी था ना, इसलिए। सुनो वॉचमैन, तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा स्कूटर ठीक से नहीं चलता, बार बार गर्म हो जाता है। जी हाँ मैम। कल तुम अपने साहब को दिखा देंगे, वो ठीक कर लेंगे। थैंक यू मैम। गुड नाइट। गुड नाइट। चले मैं ये फूल नहीं ले सकती। क्यों? मुझे एलर्जी है, जैसे ही मैं फूल अपने हाथ में लेती हूँ तो मैं छींकने लगती हूँ। समय, ये क्या लिख रहे हो? कैंडल्स, चॉकलेट, म्यूजिकल कार्ड, ड्राई फ्रूट, ज्वेलरी, ये सब क्या लिख रहे हो? दिल में से किस किस चीजों से तुम्हें एलर्जी है बता दो। व्हाट डू यू मीन? ये लो पेन, और मार्क करो उस पर जिससे तुम्हें एलर्जी है। किसी से भी नहीं। हो इम्पोर्टेंट नाम तो लिखना ही भूल गया, इससे तो तुम्हें एलर्जी जरूर होगी। पति क्यों मारूंगी मैं तुम्हें? पत्नी को मैं तुम्हारी, तुमसे कैसे एलर्जी हो सकती है मुझे? हो सकती है, हो सकती है नताशा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज पॉसिबल, मगर मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ हो ना। अच्छा मैं चेंज करके आती हूँ। मैं तुम्हारा वर्तमान हूँ नताशा, और वर्तमान को जीने के लिए अतीत को भुलाना पड़ता है, जो तुम नहीं कर पाए। हेलो 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 हेलो, पता नहीं कौन है, किसका फोन था दीदी? ब्लैंक कॉल था कोई। ब्लैंक कॉल, ब्लैंक लेटर्स, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? अरे कोई रॉन्ग नंबर भी तो हो सकता है ना। पर आपने तो कहा कि ब्लैंक कॉल है ना दीदी, कहीं कोई मजाक तो नहीं कर रहा? उस दिन ब्लैंक लेटर, आज ब्लैंक कॉल। वैसे सोचने वाली बात है ना दीदी। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं भी तो कितनी बार फोन करती हूँ, जब आगे से कोई जानी पहचानी आवाज नहीं सुनती तो रॉन्ग नंबर समझ के रख देती। इस तरह की बातें प्रथम और गौरी के बीच में टेंशन क्रिएट कर सकती है। तुम ठीक कह रही हो कविता। दीदी मुझे लगता है अगर प्रथम और गौरी मम्मी पापा बन गए ना, तो बच्चे के आने से उनका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। पर वो दोनों मम्मी पापा बनने को राजी तो हो। लेकिन दीदी ऐसा भी तो हो सकता है कि गौरी को बच्चे पसंद ही ना हो। नहीं श्रुति, गौरी को बच्चे बहुत पसंद है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, गौरी माँ क्यों नहीं बनना चाहती? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रथम भी बच्चा चाहता ही ना हो। अरे छोड़ो तुम इस बात को, जब वक्त आएगा बच्चा भी हो जाएगा और प्रथम भी राजी हो जाएगा। चलो चलो, आई एम श्योर सब ठीक होगा। चलो हाँ आ जाओ। क्या
क्या कर रही है बड़ी? मैं भी अपने संजय के लिए लड़कियों के फोटोग्राफ देख रही हूँ। तू भी याद दादी का? ओहो हो, ये लड़की है या उसकी तीसरी माँ है? ओहो, उम्र में थोड़ी बड़ी है तो क्या हो गया? बायोडेटा बहुत अच्छा है। अरे बायोडेटा को चाटना है? ये देख, मैं कितनी खूबसूरत लड़की है लाई हूँ, देख। राम 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 राम, ऐसी लड़की से तो संजय की शादी करवाएगी क्या? कपड़े भी पहनने नहीं आते। अरे इसमें क्या हुआ, कितने अच्छे कपड़े हैं, शॉर्ट एंड पूरी। सत्यानाश हो तेरा शॉर्ट एंड स्वीट का, रुमाल जितने कपड़ों में बदन ढक रखा है और कैसी है शॉर्ट एंड स्वीट। अरे बॉड बहू घर में आएगी तो मैं उसके साथ डिस्को जाऊंगी। ऐसी लड़की की डोली हमारे घर नहीं आएगी। अरे डोली कौन ला रहा है, मैं संजय की कोर्ट मैरिज कराऊंगी। कोर्ट मैरिज ही क्यों, स्वयंवर रचवा देना। नॉट अ बैड आइडिया, स्वयंवर रचा देंगे। संजय अपनी पसंद की लड़की के गले में वरमाला डालेगा क्योंकि मेरा बेटा है। मैं तुझसे ज्यादा प्यार मुझे करता है। मेरी बात काटना जरूरी है? और हर बात में टांग अड़ाना जरूरी है क्या? बाबा तू जा जा जा। मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा कमरा है। तेरा कमरे पे नाम लिखा है? नाम नहीं लिखा तो क्या हुआ, मेरा कमरा है ना, तू जा यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस ना जाना है तो मत जा, मैं जाती हूँ। जा जा। Okay, Mr. Singhania, what is your opinion about this? Mittal साहब, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने तो मेरी सारी मुसीबतें अपने सर पे ले ली। इसमें शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है सिंघानिया साहब, अगर आप ये प्रोजेक्ट नहीं करते तो कोई और कर लेता। इट्स सो सिंपल। एनीवे, आप इस प्रोजेक्ट की सारी बारीकियां जो है उसे ठीक कर सकते हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी आप पर रहेगी। जी। प्रथम तुम इस प्रोजेक्ट में सिंघानिया साहब के साथ रहोगे। जी बाबूजी। अच्छा सिंघानिया साहब, आइए मैं डिटेल समझा देता हूँ। यू टू कम विद मी। पापा, पापा मैं सिंघानिया साहब की मदद नहीं कर सकता? अरे बेटा, हम जो मदद कर रहे हैं वो क्या कम है? नहीं वो बात नहीं है, मैं तो तैयार था लेकिन मैं बेटा और भी काम है, पहले वो निपटा लो। ये लो इसे संभालो। और वैसे भी उस प्रोजेक्ट में सिंघानिया साहब की प्रॉब्लम बस समझ लो, समझ जाएगी भैया। वो 2 साल के मैं निकल लू। हाय गए? आज जाऊंगा। अच्छा। तुम्हारे लिए। लेकिन ये सब कैसे? बहुत सुंदर है लेकिन अब ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों, तुम उस दिन मुझसे नाराज हो गई थी इसलिए? नाराज? देखो नंदिनी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त हैं और दोस्तों के बीच में आर्गुमेंट्स तो होते रहते हैं। हो सकता है कि एक ही बात को लेकर हम दोनों के नजरिए अलग अलग हों लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दोस्ती में फर्क आ जाए। मानव, I'm really sorry। पता नहीं उस दिन कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। प्लीज प्लीज नंदनी, डोंट बी सॉरी। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत सेंसिटिव हो लेकिन सेंसिटिव होने का मतलब ये तो नहीं कि आदमी सच्चाई का सामना करना छोड़ दे। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर ठीक है, तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम सच्चाई से बचोगी नहीं बल्कि उसका सामना करोगी। प्रॉमिस मी? प्रॉमिस। ओके बाय बाय। नंदिनी, आर यू रेडी? चले? हाँ मासी, आई एम रेडी, चले। अरे वाह, क्या बात है भाई, फूल तो हमें भी पसंद है लेकिन हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता। आपको आर्ट गैलरी जाना था ना, जल्दी चलते हैं वरना आर्ट गैलरी बंद हो जाएगी। चलिए चलिए। इट्स सो प्लेजेंट, अगर आप हर रोज इसी तरह काम से जल्दी वापस आ जाएं
तो हम लोग हर रोज वॉक पे जा सकते हैं। तुम्हें क्या पता कि मेरे ऑफिस से जल्दी आने का कारण तुमसे मिलने से ज्यादा प्रथम को अवॉइड करना है। कहीं खोए हुए आप? कहीं नहीं। कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ भी नहीं। बताइए ना क्या बात है। बता तो दूं मगर हो सकता है कि तुम्हें सच्चाई पसंद ना आए। नताशा, पसंद आए या ना आए, सच्चाई को तो सामने आना ही है। आप बेझिझक बताइए कि क्या बात है। नताशा, हमारे परिवार के सभी लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर प्रथम भैया की वजह से मेरे साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, हमेशा। प्रथम की वजह से? हाँ हाँ नताशा, आज ही की बात है। बाबूजी ने तुम्हारे पापा को एक नया प्रोजेक्ट दिया है, मगर अगर बाबूजी चाहते तो तुम्हारे पापा को असिस्ट करने के लिए मुझे अपॉइंट करते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने प्रथम को अपॉइंट किया। जबकि तुम्हारे पापा और बाबूजी अच्छी तरह से जानते कि मेरी काबिलियत क्या है, और तो और तुम्हारे पापा मेरे ससुर है, मेरे। मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? What do you mean by ओवर रिएक्ट? तुम तो मुझे समझने नहीं चाहते। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो प्रोजेक्ट मुझे नहीं दी, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि मेरे होते हुए वो प्रोजेक्ट प्रथम भैया को दे दिया गया। उस पर क्या बीत रही है ना, तुम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकोगी तुम। नहीं समय, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप एक बार इत्मीनान से आप बाबूजी के साथ बात कर लीजिए। हो सकता है कि बाबूजी आपको ये प्रोजेक्ट दे दे। लीजिए मम्मी जी, मैं आपके लिए फ्रूट चाट बना के लाई हूँ। मुझे नहीं खाना है। मगर आपको तो फ्रूट बहुत पसंद है ना मम्मी जी। पसंद है पर नहीं खाने हैं बस। मगर क्यों? क्योंकि मैंने भगवान से मन्नत मांगी है, जब तक मैं अपने पोते का मुंह ना देख लूं मैं फ्रूट नहीं खाऊंगी। मम्मी जी मजाक मत कीजिए, हफ्ते में चार दिन तो आप उपवास रखती हैं, दूध और फ्रूट के अलावा तब आप कुछ लेती भी नहीं है, आप फ्रूट खाना कैसे छोड़ सकती हैं? छोड़ सकती हूँ, बेशक छोड़ सकती हूँ। क्या मैं अपने पोते के लिए इतना नहीं कर सकती? मम्मी जी दिस इज नॉट फेयर, दिस इज इमोशनल ब्लैकमेलिंग। ठीक है, तुझे जो कहना है कह। मम्मी जी मगर देख गौरी, मैं तुझे और प्रथम को माँ बाप के रूप में देखना चाहती हूँ, क्या ये मेरी चाहत, ये मेरा सोचना गलत है? और फिर तुमने ही तो उस दिन मुझे प्रॉमिस किया था ना। मुझे अपना वादा बहुत अच्छी तरह से याद है मम्मी जी। तो और ऐसा नहीं है कि मैं माँ नहीं बनना चाहती, हर लड़की बचपन में जैसे शादी करने के सपने देखती है, उसी तरह वो शादी के बाद माँ बनने के भी सपने देखती है, और मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। मगर मगर क्या? मगर ये मुमकिन नहीं है मम्मी जी। मुमकिन नहीं है? क्या कहना चाहती है तू? मम्मी जी प्लीज, हर बार बच्चे के बारे में आप मुझसे पूछती हैं, लेकिन इस बारे में मेरा कुछ ना कहना ही बेहतर होगा। आप इस सवाल का जवाब प्रथम से क्यों नहीं मांगती? नहीं नहीं मम्मी जी, आप प्रथम से कुछ मत पूछिए, वरना उन्हें बुरा लगेगा। अच्छा मम्मी जी, हाँ बेफिक्र रहिए, आपका माल आप तक समय पर पहुंच जाएगा। हाँ हाँ, मंडे ठीक 11 बजे। ओके ओके बाय। हाय माँ। हाय चाची। प्रथम जरा बात सुनो। उसे तो जरूरी बात करनी है। वो लगता है तुम बहुत थक गए हो, चाय लाऊं तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं माँ, आज दिन भर ऑफिस में चाय तो पिए मैंने। चाची आप कुछ कह रही थी? हाँ वो बात ये है प्रथम कि मैं सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, बल्कि हम दोनों का रिश्ता एक एक दोस्त की तरह है कि नहीं? हाँ माँ। हाँ तो
उसी नाते से मैं जाने दे, बाद में बात करते हैं। अरे नहीं नहीं माँ, बाद में क्यों, अभी बताइए ना। बेटे बेटा, ये डॉक्टर खोसला का कार्ड है, वो इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है, तुम अपॉइंटमेंट लेके उनसे एक बार मिल लेना। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से मैं? बेटे साइंस ने अब बहुत तरक्की कर ली है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज निकल आया है ना दीदी। हाँ हाँ बिल्कुल प्रथम, फिर ये तो छोटी सी है। चाची आप साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा हम लोगों को आज ही पता चला कि हम पोते का मुंह क्यों नहीं देख पा रहे हैं। क्या मतलब? तुम एक बार इन डॉक्टर से मिल तो लो, गौरी को भी साथ ले जाना। बेटा मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों के मम्मी पापा बनने का कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। हाँ। आपसे किसने कहा कि बच्चा? वो अब तुम्हें तो मालूम ही है, मैं कविता और दीदी हमेशा गौरी से बच्चे के बारे में पूछते रहते हैं, तो आज गौरी ने बताया कि इसका मतलब आपको गौरी ने बताया कि मेरी वजह से बच्चे? उसने डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं कहा है, कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस तू डॉक्टर से मिलने सब ठीक हो जाएगा, ऐसे मामले में देर करना। भैया अगर आप कहे तो मैं आपके साथ डॉक्टर के पास चलने के लिए तैयार हूँ। नहीं अगर आप चाहते हैं तो। You are raping my ego, है ना? म्यूजिक धीरे करो। करता हूं। मेरी चाची से तुम माँ इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि मुझमें कोई कमी है। प्रथम मर्दान की देखा था, बच्चा चाहिए ना, आज मैं दूंगा तुम्हें। बड़ा शौक है ना तुम्हें मेरे बच्चे की मां बनने का, आज तुम्हारा शौक है। तुम यही सोच क्यों ना गौरी कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छूता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे, लेकिन आज आज मुझे तुम्हारे रिस्पॉन्स की कोई चिंता नहीं। तुम शायद भूल गई कि आई एम प्रथम मित्तल। तुमने शायद प्रथम मित्तल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझ लिया। आज तक मैं तुम्हारे ईगो को देख सकता था, लेकिन आज आई एम गोइंग टू किल योर ईगो बाय रेपिंग यू।